नेगेटिविटी ने पूरी तरह से इनके ऊपर प्रभाव बना लिया, पूरी तरह से। हो सकता वो शैतान ने डेवल खत्म भी कर सकता था, क्योंकि मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही, इतने इंजेक्शन लगा रही है, 1% भी थोड़ा बहुत भी नहीं कुछ हो रहा। और जैसे उस दिन प्रेयर हुई, हालेलुया। तो इस ब्रदर जी का नाम परम है और जो सोरसिंग गांव के रहने वाले हैं और जो इनके साथ खड़े हैं वो इनके फादर साहब है और इनका नाम मलुक सिंह है। और इनकी गवाही जे बता रहे कि 15 दिन हो गए थे इनके फादर साहब को बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी, और जिसके जे बता रहे कि अपने गांव से जे मेडिसिन ले रहे थे पर खांसी का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर जे बता रहे कि इनको खाने पीने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, और जे बता रहे कि जो खांसी की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ गई। जे बता रहे कि फिर बहुत ज़्यादा ऐसे इनको बलगम आनी शुरू हो गई, इनको रेशा आता था, और जे बता रहे कि जो छाती में ऐसे इनके जो इन्फेक्शन थी रेशा वो जम गया था। और जे बता रहे फिर उसके भी इन्होंने अपने गाँव से 6 इंजेक्शन भी लगवाए। जे बता रहे कि उससे भी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जहाँ तक कि जे बता रहे कि पूरे 15 दिन रात को इन्हें नींद नहीं आती थी इस प्रॉब्लम के कारण। इतनी ज़्यादा काफ़ी तरह रेशा इनके छाती में जम गया था और जे बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जे बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने इस ब्रदर जी ने प्रेयर टावर में कॉल की, तो टीम ने जब इनके साथ बात की, इनके लिए प्रेयर भी की, इनको उत्साहित भी किया, क्योंकि जो इनके फादर साहब है वो तो संगति में नहीं आते थे, पर जो ये जो ब्रदर है जो विश्वास करते थे। पर जैसे टीम ने इनको उत्साहित किया कि आप अपने फादर साहब को ऐसे मीटिंग में लेकर आए क्योंकि उन्हें वचन की ज़रूरत है, तो जो बता रहे हैं कि इन्होंने बताया कि उनको ऐसे ठंड लगी है जिसके कारण डॉक्टर ने बोला कि आप उन्हें बाहर मत लेकर जाना। और जो बता रहे हैं कि इसके कारण जो मेडिसिन है वो भी इनको घर में ही लेकर दे रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पर जो बता रहे हैं कि उससे भी इनको कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। पर जैसे टीम ने इनको उत्साहित किया कि आप फिर संडे की मीटिंग में लेकर आना, पर जो बता रहे हैं कि उस दिन भी जे बहुत ज़्यादा ऐसे जो बता रहे ठंड के मौसम के कारण संगति में नहीं लेकर आए। तो जो बता रहे कि फिर जो बता रहे कि उसके नेक्स्ट दिन इनको ऐसे जो बता रहे कि हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और उस दिन जो ब्रदर जी अपने फादर साहब को साथ लेकर गए थे क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। पर हॉस्पिटल से भी मेडिसिन लेकर आए पर उससे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर से जब इन्होंने टीम के साथ बात की तो टीम ने इनको उत्साहित किया क्योंकि इनको एक नेगेटिविटी का प्रभाव है जिसके कारण ना तो मेडिसिन से इन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो जो कि जो इनके लिए प्रेयर किए हो क्योंकि इनको वचन की ज़रूरत है। तो इनको वैसे टीम ने बोला कि आप तो संडे की मीटिंग में भी नहीं लेकर आए, तो इन्होंने बताया कि मौसम के कारण नहीं आ सके। और फिर इन्होंने बोला कि हम पर्सनल मंडे की मीटिंग में आएंगे, तो जैसे कि फिर मंडे की मीटिंग में इन्होंने लेकर आना था, पर इनकी जो प्रॉब्लम पहले इनको ऐसे खांसी की से प्रॉब्लम थी और बाद में उसी दिन ही इनके फादर साहब को लूज मोशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो जिसके कारण फिर जो मंडे की मीटिंग में भी नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने बोला कि हमारी ऐसी परमेश्वर के दास के साथ हम बात करना चाहते हैं कि हमारे लिए प्रेयर करेंगे वो, तो हम जानते हैं, हमें विश्वास है कि हमारे फादर साहब बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। पर फिर से जब टीम ने इनको उत्साहित किया परमेश्वर के दास के साथ, जब जैसे ही बात हुई क्योंकि इनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और जैसे फिर इनकी बात कराई तो परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, उत्साहित किया। तो ये बता रहे कि जैसे जो कि इनके फादर साहब पर पूरे 15 दिन हो गए थे, रात के समय नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा कफ रेशा बलगम इनके छाती में जम गई थी, इन्हें खांसी आ रही थी, कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, मेडिसिन का भी असर नहीं हो रहा था। पर जैसे ही प्रात हुई तो जितना भी नेगेटिविटी का अंधकार का जो भी इनके ऊपर प्रभाव था, तो प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से इनको छुटकारा दे दिया। और परमेश्वर ने जो बता रहे कि उस दिन से जो कि रात के समय इनके इनको बहुत ही
अच्छी नींद आई और जब बता रहे कि अभी बिल्कुल परमेश्वर ने सारी प्रॉब्लम से इनको छुटकारा दे दिया और इनको और भी उत्साहित किया कि अभी आपने लगातार इनको परमेश्वर के साथ जोड़ना और इनका और भी जो कि इनके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है आपने लगातार इनको मीटिंग में लेकर आना। तो सच में आज बिल्कुल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से नींद आ रही है, सब कुछ खा रहे हैं और जो इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी जे बता रहे कि उससे भी परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। तो सच में इस गवाही के लिए जे परमेश्वर के दास को और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते, हम सब जोर से अपने हाथों को उठाते उस खुदावर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कलीसिया जोर से जोर से। सुनो 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 एक चीज ध्यान से, हमने गवाही तो सुन ली पर ये हालात आया क्यों? इस बच्चे बेटे इनके बेटे को फोन माइक दो, उनका चक्कर चलो। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की। तो सुनो एक चीज सुनो सारे ध्यान से, आपने गवाही सुन ली सारी क्यों हालात आया ना, 15 दिन से ये कितना परेशान थे ना, बोलो क्या है, पूरी बलगम रेशा इनकी क्षति पर जम गया था और सांस भी नहीं आ रही थी, है ना? हाँ जी पापा जी। बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा। 15 दिन से मेडिसिन दे रहे थे। हाँ जी पापा जी। दे रहे थे, दे कितने रहे इंजेक्शन लगवा लिए? छह इंजेक्शन लगवाए और कोई आराम नहीं मिल रहा था, कोई फर्क जरा भी, जरा भी मेडिसिन काम नहीं कर रही ना, नहीं पापा जरा सा भी, और पूरी रात सोते नहीं थे। नहीं पापा जी। तो सुनो एक चीज, मैं जब भी ये बच्चा मेरे से बात होती थी जब भी, तो मैं इसे कहता था कि अपनी फैमिली को भी लेकर आया करो। क्या लेकर आया करो? अपनी फैमिली को भी लेकर आया करो साथ। जैसे मान लो इतनी दूर से आना, ये बुजुर्ग हैं तो एक बाइक पे, तो उनके मम्मी का भी शरीर थोड़ा भारी है, वो पीछे बैठे हैं, तो एक बाई पे 3 जन बैठाकर इतनी दूर से, क्योंकि ये सुरसिंह मतलब ये गांव का नाम है पिखीवेंड के पास पास है, बोलो क्या है, पिखीवेंड के पास है, तो दूर पड़ जाता है, तो इतनी दूर से लेकर आना कठिन है, औखा है, बोलो क्या है, बस पे आना और औखा है। तो ये अकेले आ जाते हैं, कई कई बार मम्मी को लेकर आ जाते हैं, जैसे ठंड का मौसम है हो गया, हाँ बोलो क्या हो गया, जब ये बीमार हुए, बोलो क्या हुए, अब कितना खर्च, कितने पैसे खर्च हो गए थे इन दिनों में? पापा ये 5-6 हज़ार रुपया, 5-6 हज़ार रुपया लग गया। हाँ जी पापा जी। अगर हम हफ्ते का 500 लगाएं, बोलो क्या लगाएं, एक हफ्ते का 500, मान लो 6,000 खर्च हो गया, अगर हफ्ते बाद हम 500 रुपया, मैंने कहा कि अगर तुम ऑटो करके इनको भी लेकर आया करो साथ में, बोलो क्या करो, 500 रुपए ही है ना, एक खर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी 6,000 तो व्यस्त हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, उसका कोई फल मिलेगा, ऊपर से कितनी तकलीफ उन्होंने सही, ये खुद सारा परिवार कितना परेशान थे। अब तुम हिसाब लगाओ, अगर आपके पास बुद्धि है, मान लो हफ्ते का 500, तो 10 हफ्तों में 5,000, मतलब 10 हफ्ते समझ दे, कितना कितना टाइम, कितने महीने हम संगति देख सकते थे, देख सकते थे ना? हाँ जी पापा। 6,000 में कितने महीने संगति हम देख सकते थे, पर वो 6,000 वेस्ट हुआ। ऐसे ही शैतान अपनी युक्तियों में फंसाता है, बोलो क्या है, पहले पहले आपका मन पैसों पर लगाता है कि नहीं नहीं 500 खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 खर्च होएगा, पर वो उल्टा फिर ज्यादा नुकसान करता है, ये उसकी जुगतियां हैं जो शैतान बनाता है। पर जो बंदा आत्मिक है, जो समझता है, फिर वो खुदा से प्यार करता है,
पैसों से नहीं, चीजों से नहीं। बोलो क्या है? अगर इन्होंने ऐसा किया होता, मैं ये चीज क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि सच्ची में इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मान लो अगर थोड़ी बहुत तकलीफ और बढ़ जाती ना, तो क्या हो जाना था, क्या हो जाना था, समझे मेरी बात, फिर क्या हो जाना था। क्योंकि जिस दिन मेरी बात हुई इनके साथ, रात जब मैंने बात की और प्रार्थना की, और सबसे पहले जब मैंने बात की तो मैं परमेश्वर से ऐसे पूछ रहा था कि, क्योंकि हम इन्हें बुला रहे थे और ये आ नहीं रहे थे, क्योंकि शैतान भी नहीं आने दे रहा। और जिस दिन इन्होंने मन बना लिया आने का, उस दिन शैतान ने इन्हें लूज मोशन लगा दिए। कैसी जुक्तियां बनाता है, उस दिन लूज मोशन लगा दिए कि ये पहुंचे ना। अगर उस दिन में, जैसे कई बार क्या होता है कि जब मैं आत्मा में होता हूं तो कई लोगों से मैं प्रेयर भी नहीं करता हूं, उनमें वचन देता हूं, जब कुछ ऐसी चीज देता हूं तो वो उस तरीके से विश्वास करते हैं और फ्री हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं? पर पहले मैं इन्हें बोलने वाला था कि हमने आपको बुलाया था ना, चलो कोई बात नहीं है, अभी बुधवार नहीं आया गया तो कोई बात नहीं है, शुक्रवार की मीटिंग सुनना, संडे लेकर आना। पर मैंने आत्मा में उस बात को समझा कि यहां पे क्या करना चाहिए, और मुझे खुदा ने ये समझ दी आत्मा के ने, क्योंकि नेगेटिविटी ने पूरी तरह से इनके ऊपर प्रभाव बना लिया, पूरी तरह से। हो सकता वो शैतान ने डेवल खत्म भी कर सकता था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आ रही है? तो मैंने आत्मा में समझा, और क्योंकि मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही, इतने इंजेक्शन लगा लिए, एक परसेंट भी, थोड़ा बहुत भी नहीं कुछ हो रहा। और जैसे उस दिन प्रेयर हुई, डांटा उस नेगेटिविटी को, उसी दिन अच्छी नींद आई, और थोड़े दिनों में और बिल्कुल क्या हुआ। आज के बाद ये कंजूसी मत करना कि 500 रुपया खर्च होता है, कोई बात नहीं, खुदा के लिए हजारों लाखों भी खर्च कर लें तो कम है। पौलुस कहता, क्योंकि वचन होना इसीलिए आपके अंदर बड़ा जरूरी है, अगर वचन नहीं है तो हम ऐसे जिएंगे। क्योंकि पौलुस कहता, अगर मैं पूरी संपत्ति अपनी कंगालों को खिला दूं और अपनी देह भी सड़ने के लिए दे दूं यीशु मसीह के लिए, तो भी कम है। बोलो क्या है? तो भी कम है। पर बहुत से लोग हैं जो ऐसे कई बार सोचते हैं कि खर्च होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए हजारों क्या लाखों भी कुर्बान है। समझते हो? ये कंजूसी मत करना, इनको लेकर आना, खुदा तुझे डबल आशीष देगा, डबल। वो तुझे पहले ही ऑलरेडी आशीष का वचन दे चुका है ना। देखो, जो खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं उन्हें कोई भी कमी नहीं रहती। बोलो, उन्हें कोई भी कमी नहीं रहती, ठीक है? तो उसके वचन को पूरा करना, बने रहना। बोलो क्या है? बने, खुद भी और इनको भी बनाकर रखना, ठीक है? ठीक है भाई, कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है भाई। ये जुक्तियां होती है शैतान की, हाँ, कि बंदा सोचता, नहीं नहीं यार, 500 खर्च हो जाएगा, 700 खर्च हो जाएगा, गाड़ी करके जाएंगे, ऑटो में इतने ले लेगा वो ऑटो वाला, हाँ। अब थोड़े दिनों में शैतान ने कितना नुकसान कर लिया। अगर परमिशन ना फ्री करता, हॉस्पिटल में चले जाते, पता नहीं शायद और ज्यादा खर्च हो जाता, क्योंकि उनकी हालत बड़ी खराब होगी ना, उनको तो सांस तक नहीं आ रही। अगर तो परमिशन ने फ्री कर दिया ना अपनी सामर्थ से, अगर ना होते तो शायद 6,000 क्या और 36,000 भी लगा देता वो। समझ आ गई है? तो ये गलती दोबारा ना करना है। वो उन्हें पता है ना तकलीफ को, हाथ से कह रहे नहीं, क्योंकि उन्हें, जिस बंदे ने तकलीफ को सहा उसे पता है, ठीक है? जाओ, खुदावन आपको बरकत, तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो। ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे।